Marina Sandés, dai. स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में। मैं उफाद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। बता चले आपको कि यूं तो लगातार बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कभी गरीबों का उत्पीड़न किया जाता है तो किसी के अधिक बिल दे के, और कभी किसी की लाइट काट के, और कभी जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विभाग द्वारा अनर्गल पैसे की मांग करने का लगातार मामला सामने आता रहा है। लेकिन इसी क्रम में हम आपको बताते चलें कि सरकारी कार्यालय, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि कर्मचारियों का मंदिर, जहां से उन्हें अन्न मिलता है और जहां से उनका रोजगार चलता है, वहां से ही ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बता चले आपको कि त्यौहार के समय में, नवरात्र के समय में, रात 10 बजे तक सभी कर्मचारियों की, बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। इसी क्रम में मिर्जा हादीपुरा चौराहे पर, जहां पर बिजली बिल जमा किया जा रहा है, एक छोटा सा कार्यालय है। उस कार्यालय में क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत किया गया कि कार्यालय में जो क्षेत्रीय जेई हैं, जहांगीराबाद विद्युत उपकेंद्र के जेई सुशील कुमार, जिनका कि पूर्व में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, और इनके संरक्षण में लगातार वहां पर शराब शबाब और कबाब चलता रहता है। इस सूचना को पाकर काम ये भी सुनने को मिला कि कार्यालय का दरवाजा बंद करके अंदर से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो इस सूचना की पुष्टि करने के लिए आज मारीना संदेश लाइव की टीम कार्यालय पर पहुंची, बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंची, जहां पर बिल जमा किया जाता था। काफी पीटने के बाद 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। घटना हम आपको तारीख बताते चले कि 5 अक्टूबर रात में 8:50 की घटना है। जब वहां मौके पर पहुंचे, दरवाजा पीटने के बाद जब दरवाजा खुला तो अंदर जब सवाल जवाब चल रहा था, इसी दौरान देखा गया कि पूरा वातावरण दुर्गंध से भरा हुआ था, और साथ ही साथ वहां पर बिजली विभाग के 3 कर्मचारी, जिसमें एक प्राइवेट अजहर नाम का लड़का था और रिटायर्ड जेई राम प्यारे जी भी मौजूद थे, और एक लाइनमैन भी मौजूद थे। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां क्या गतिविधियां चल रही थी, और आपको ये भी बताते चलें कि अवैध वसूली करके डेली इस तरीके की गतिविधियों में, जेई के संरक्षण में इस तरीके का मामला वहां चलता रहता था, जिसका आज अचानक हम लोग मौके पर पहुंच के जिसका आज खुलासा किया गया है। आगे हम वीडियो में दिखाते हैं कि मिर्जा हादीपुरा स्टेशन, यानी मिर्जा हादीपुरा कार्यालय बना दारू अड्डा। आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके का क्रिच चल रहा है कार्यालय के अंदर, सरकारी कार्यालय के अंदर। आइए वीडियो देखते हैं। ये देख सकते हैं मिर्जा हादीपुरा विद्युत कलेक्शन सेंटर, सबका नंबर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा हम कहाँ पर मौजूद हैं इस समय, और स्थिति का आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और आप दिखाते हैं कि बीच आबादी में ये है, यहाँ पर मिर्जा हादीपुरा चौराहे पर जो स्थिति, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त 8:51 हो रहा है, बाहर से ये मिर्जादपुरा सब स्टेशन में बाहर से दरवाज़ा बंद करके, आप लोग सभी लोग अंदर थे, काफ़ी पीटने के बाद खुला था, तो जाना जा सकता है कि बंद करके क्या काम हो रहा था। ड्यूटी है हम लोगों की। हाँ ठीक है, और इस वक्त 8:51 हुआ है और दरवाज़ा बंद था, लोगों ने पीटा है तब दरवाज़ा खुला है, तो क्या वजह रही? ऐसा ना कि वजह कुछ नहीं, यहाँ पे अंदर हम लोग सुबह से जैसे पोल पे सब काम कार्य कर रहे थे, तो इसमें रेस्ट ले रहे थे हम लोग, दरवाजा बंद करके। एक मिनट खुल जाए नेताजी के, आपका जो रेस्ट है, देखिए यहाँ नीचे इसमें शराब की शीशी वगैरह सब नजर आ रही है कि यहाँ पर आप लोग कार्यालय, मोटाई बोतल उठाइएगा नीचे से, देखिए सामने रखिए, टेबल पर रखिए। ये आप लोग कार्यालय बंद करके यही सब काम होता है यहाँ पर, ये बताइए आप, लगातार पूरा महक भरी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, ये अजहर हैं, प्राइवेट हैं, ये लाइनमैन साहब हैं, और आप राम प्यारे साहब हैं, और यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि शराब की बोतल पड़ी हुई है, गिलास पड़ा हुआ है यहाँ पर नीचे, देख सकते हैं आप, और ये सब बड़ा गलत काम, चकना वगैरह सभी कुछ चल रहा है। ये स्थिति है हमारे मिर्जा हादीपुरा सब स्टेशन की, जहां पर बिजली की काफी शिकायत थी, और हम लोग आए थे यहां पर शिकायत सुनने के लिए, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहां पे पब्लिक भी साथ में मौजूद है, और इन सभी लोगों ने यहां पे देखा है कि क्या स्थिति है। और आप लोग तो यहीं के लोकल हैं? हाँ, यहीं के। क्या यहां पे डेली ये चलता है? डेली चलता है, रोज बंद रहता है ये।
रोज बंद रहता है और बंद होकर के यही सब काम अंदर होता है। कौन कौन रहता है यहाँ पर, कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ अंदर, ये तो नहीं मालूम कौन कौन रहता है यहाँ पे। और आप लोग अपनी समस्या लेके आते हैं यहाँ तो क्या होता है? कई बार हम लोग कहे हैं लेकिन बस काट देते फिर चालू हो जाती है, फिर काट देते फिर चालू हो जाती है। आप लोग भी कोई यहाँ का है और अभी यहाँ के हैं? क्या दिक्कत है आपकी? लाइट नहीं रहती है यही। ये अंदर जो शराब और आप चल रहा है कार्यालय के अंदर, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं जानते। ये आपके सामने चल रहा था, अंदर आप मौजूद हैं? हम स्टाफ हैं, इसमें बैठे हैं। स्टाफ तो यहाँ दरवाजा, ये दरवाजा बंद करके अंदर शराब चल रहा था, ये सब बोतलें पड़ी हुई हैं, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं रिटायर्ड के। हाँ ठीक है, मैं लाइन इन लोगों की बंद थी जी। नहीं नहीं, जो इस समय बंद करके अंदर से शराब चल रहा है इसके लिए थोड़ा बताएं। बात जी, लाइन बंद थी, आज आके मदनपुरा को चालू कराया, सब स्टेशन पर चालू कराने के बाद आए तो लोग बैठा दिए। तो ये शराब मतलब कौन चला रहा था? हम नहीं, हम तो फ्लोर। तो ये शराब की बोतल यहाँ कहाँ से आई है? यहाँ पर देखा जा रहा है मतलब आप नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो शराब की बोतल यहाँ कहाँ से आई है? आप लोग में से कोई शराब पी रहा था यहाँ, कोई लाया था? नहीं, हम लोग अंदर आए, बहुत तेज शराब की बदबू आ रही थी अंदर घुसे जो। आप देख सकते हैं कि यहाँ शराब की बोतल पड़ी हुई है, सभी के आगे चटनी पड़ी हुई है, चकना पड़ा हुआ है कटोरी में, और यहाँ तमाम नीचे गिलास भी पड़ा हुआ है, बोतल भी पड़ी हुई है, सबके आगे गिलास भी पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं स्थिति, और सभी लोग इनकार कर रहे हैं कि किसी ने अंदर शराब नहीं पिया है, जबकि यहाँ का वातावरण भी पूर्ण रूप से दुर्गंध से भरा हुआ है शराब की, ये स्थिति है। आपको यहाँ शराब की या किसी चीज की मांग मिल रही है? जी जैसे हम लोग अंदर घुसे वैसे बदबू आई शराब की। जी आप बताएं कि आप इस समय यहाँ मिर्जा हादीपुरा सब स्टेशन पर मौजूद हैं कार्यालय पर, यहाँ आपको क्या वातावरण दिख रहा है? मुझे आए दिन यहाँ की शिकायत मिल रहा था, लेकिन आज तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहाँ जो है शराब पिया जा रहा है, जो एकदम मीडिया के सामने है। और मैं उच्च अधिकारी से मांग करता हूँ कि ये जितने कर्मचारी इसमें शराब में लिप्त है पीने में, इनको तत्काल निलंबित किया जाए। ये शराब पीने के नशे में शटडाउन ले रहे हैं, लाइट कटवा दे रहे हैं, और तमाम किस्म के लोगों के पास परेशानियां आ रही है। ये होशो आवास में नहीं बात कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है हमारे शहर के लिए। ये मेन सब स्टेशन है, इससे जो है पूरा पावर हाउस, पूरा बुनकर समाज जुड़ा हुआ है, और यहाँ बैठ के शराब कबाब चल रहा है, ये बहुत निंदनीय कार्य है। मैं इसका निंदा करता हूँ, और मैं उस अधिकारियों से मांग करता हूँ कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, और बढ़िया स्टाफ जो शराबखोर ना हो, और सही आदमी यहाँ आकर बैठे। और मैं कई दिनों से शिकायत सुन रहा हूँ, यहाँ जो है आए दिन रिश्वतखोरी, और थोड़ा थोड़ा मामले पर जंपर जोड़ने पर 100-200 रुपया जो है अवैध धन उगाही, और ट्रांसफार्मर हफ्तों दिन 15-15 दिन जला रह रहा है। इसमें जो जेई साहब का भी कंप्लेन हमारे वहाँ कई बार आया है, और जेई साहब से मैं सुशील वर्मा से कई बार बात भी किया हूँ, तो वो सीधे कहते हैं कि आप एक्सियन से बात करिए। यहाँ दारू पियल जाता लोग बर्दाश्त कर यही समाज न, तू लोग बीच चौराहा में दारू पिया तो वो शराब पिया तो वो लोग अरे जे पी हुए नहीं। ये कर कौन रहा है? ये कर कौन रहा है? अरे जाने का दीजिए, आप क्या करेंगे, समझा रहे हैं आप लोग? ये आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप स्थिति देख सकते हैं कि कोई भी मानने को तैयार नहीं कि शराब किसकी है, और शराब यहाँ चखना और सबके सामने पड़ा हुआ है, ये स्थिति आप देख सकते हैं। और सोचने वाली बात है कि जब मिर्जा हादीपुरा जैसी मेन जगह पर और सरकारी कार्यालय में जिसमें हर समय आना जाना रहता है, ऐसी जगह पर ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि और जगहों पर क्या स्थिति होगी। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।